टेक्निकल क्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल क्यू। दोस्तों आज हम बात करते हैं गैलेक्सी A80 की, इवेंट हुआ था उसमें उसको लॉन्च किया गया है। यार आप क्या समझते हैं कितना अच्छा है, उसमें क्या क्या चेंज दिया है? कुछ चेंज है जो उनको अगर हम कंपेयर करते हैं ना 2005 से लेकर 2010 के दरमियान के सेटों से, तो यार मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमें फूल बना रहे हैं। किस तरीके से फूल बना रही हैं मैं टोटल आपको डिटेल बता रहा हूँ। अगर आप नए हैं और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बात यह है कि 2005 से लेकर 2010 के दरमियान जितने भी आप सेट हैं, सी के सीरियल में हो या एक्स के सीरियल में हो, जितनी भी सीरीज थी आप उनको अगर चेक करें तो उनमें बहुत सारे सेट आपको फोल्डिंग वाले भी मिलेंगे, फ्लिप वाले भी मिलेंगे। उनके अंदर काफ़ी सारे आपको कैमराज मिलेंगे जो रोलिंग कैमरे के नाम से मशहूर थे, या रोटेट वाले कैमरे, रोटेटेबल भी थे 2005 में भी थे। उनके अंदर यार एक मसला आता था, सबको मालूम है जो जो हार्डवेयर से ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको ये इलम है कि उनके अंदर ज़्यादातर या रेबन का मसला आ जाता था या उनके अंदर मोटर का मसला। काफ़ी में तो वो जो थे मैनुअल थे, मतलब ऑटो नहीं थे कि उसको किसी मोटर की ज़रूरत नहीं होती थी, उसको हाथ से रोटेट करते थे, लेकिन उसमें रेबन का मसला आता था। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या जो भी मुल्क हैं, जहाँ पे देहाती इलाके हैं या काफ़ी सारे शहरी इलाकों में डस्ट का बहुत बड़ा मसला है। और ये जो रोटेटेबल कैमरा है मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो डस्ट क्रिएट करेगी। डस्ट की वजह से इसके रोटेट का काम जो है वो रोटेट जो है नहीं कर पाएगा, या तो इसका मोटर जो है उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाएगी, या इसके अंदर जो रेवन जिसको इसको पावर सप्लाई देती है उसमें कोई फॉल्ट आने का मुझे बहुत सारा अंदेशा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जब वीवो ने अपना पॉपअप कैमरा दिखाया, उन्होंने पॉपअप कैमरा दिया मोबाइल के अंदर, तो गैलेक्सी ने अभी उसके मुकाबले में ये रोटेट कैमरा दिया है। इसमें बचत उनकी हुई है, देखें ये एक ही कैमरा है जो बैक पे भी काम करता है और फ्रंट में भी काम करता है। तो यार सबसे तो पहले ये कैमरे में और जो एक्स्ट्रा कैमरे के लिए डबल सिस्टम है ये वो सारा कुछ उनका बच गया, तो वो एक ही मतलब रोटेट में एक ही मोटर और रेबन में वो मसला उन्होंने हल कर दिया। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने एक नई चीज़ तो बना दिया जी, बस रोटेटेबल कैमरा है, जैसे वो खुलता है तो जी रोटेट होता है, ये है वो है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि यार ये इन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल में डस्ट का या देहात का कितना मसला है। वहाँ पे शहरी आबादियाँ भी ज़रूर हैं, लेकिन शहरी आबादियों में भी काफ़ी सारे ये प्रॉब्लम होते हैं कि आप ये ज़्यादातर जहाँ भी देखें ना ये ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं तो किस वजह से, ये डस्ट की वजह से लगे हुए हैं। और ट्रैफिक के दौरान कितनी डस्ट उठती है, और ये डस्ट अगर इन मोबाइल के अंदर आ गई तो आपको क्या लगता है ये कामयाब होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये इस कंडीशन में ये कामयाब हो सकता है, ये नाकामी मुझे नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये कामयाब होगा या नाकाम होगा तो आप नीचे कमेंट में जाकर अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सेट कामयाब होगा या नहीं। खसूसन कैमरे के बारे में जो रोटेटेबल कैमरा इसमें दिया है तो इसके बारे में आपकी क्या राय होगी, मैं मुंतजर रहूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ातरीन जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। लाइक करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।